साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामना को पूरी करें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों मैं हर वीडियो के लास्ट में आप लोग को अफर्मेशन देता हूं, लेकिन आज मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को अफर्मेशन दे देता हूं। काफी लोग क्या करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखते ही नहीं है। दोस्तों अगर जिंदगी में कुछ पाना है, ठीक है, तो पॉजिटिव रहना जरूरी है। मैं वीडियो के लास्ट में बोलता था, लेकिन आज मैं फर्स्ट में ही बोल दे रहा हूं कि हमेशा बोलें मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। जब आप ये पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को देते हैं, कुदरत में भेजते हैं, तो दोस्तों एक चीज आप सभी जानते हैं कि साउंड जो होता है, हम जो बोलते हैं, ये चीज कभी भी नहीं मरती है। साइंस इस बात को प्रूफ कर चुका है कि जो भी शब्द होते हैं, जो भी हम बोलते हैं, साउंड कभी नहीं मरता है, ब्रह्मांड में हमेशा कहीं ना कहीं चलता रहता है। और जब ये साउंड ब्रह्मांड आपके कैच कर लेता है, अब आप बोलेंगे कि मतलब अगर आपने नेगेटिव चीजें बोली कि अरे मेरी तो किस्मत खराब है, ठीक है, अब जैसे मेरे मुंह से ये निकल गया, तो कहीं ना कहीं ये साउंड ब्रह्मांड में जाएगा और हमेशा चलता रहेगा। अगर ब्रह्मांड तक ये चीज चली गई तो मेरे साथ में नेगेटिव चीजें ही होने लगेंगी। इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं और पॉजिटिव चीजें ही बोलता हूं। हमेशा भगवान को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मेरे पास में जो कुछ भी है प्रेजेंट में, मैं उस चीज को लेकर के हमेशा भगवान को आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि आभार व्यक्त करने से क्या होता है, ब्लेसिंग्स आती हैं, और शिकायतें करने से जिंदगी में तकलीफें आती हैं। ये अफर्मेशंस मैं आपको लास्ट में देता था, लेकिन काफी लोग वीडियो के लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। उपाय सुना, बीच बीच का कट करके स्किप करके वीडियो देखा, अपना उपाय लिया और चल दिए। दोस्तों कुछ चीजें जब तक जानकारी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है। वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहा करिए। मैं बहुत सारी ऐसी बातें बोल देता हूं जिसमें कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस मिले, आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आए। आज मैं शुक्रवार का एक आपको उपाय बताऊंगा, ठीक है, दो उपाय आपको बताऊंगा। ये दो उपाय यदि आप कर लेंगे तो आपकी सेविंग्स होना शुरू हो जाएगी, बरकत शुरू हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक उपाय तो यह है कि आप तीन कपड़े ले लें, या आप जितनी जगह में रखना चाहते हैं, ये जो रेमेडी करेंगे एक बार में ही बना लें। गले में रखना चाहते हैं, ऑफिस में रखना चाहते हैं, अपने पर्स में रखना चाहते हैं, जहां जहां भी रखना चाहते हैं, उतने आप रेशमी लाल कपड़े ले लें, ठीक है। और शुक्रवार के दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, शुद्धि की हालत में करेंगे। चावल का जो आटा होता है ये शुक्र से डायरेक्ट संबंध रखता है, ठीक है। तो थोड़ा सा चावल क्या करें, पानी में भिगो दें और इसको पीस करके इसका पेस्ट बना लें। अनार की कलम किसी भी तंत्र मंत्र के लिए, किसी भी प्रयोग के लिए सबसे बेस्ट कही गई है, तो अनार की कलम मिल जाए तो वो ठीक है। उसके इसके अभाव में आप चांदी का तार ले सकते हैं, 10-20 रुपए का आराम से मिल जाएगा। पूजा स्थान में बैठ जाएं, ठीक है, सिर में कपड़ा रखें और नीचे आसन लगाएं, एक पटरा बिछा लें, उसमें ये रेड कपड़ा छोटे छोटे से पीस ले लें, ज्यादा बड़े नहीं चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, शुक्र का जो अंक है और माता लक्ष्मी का जो अंक है, पावरफुल अंक है, ये आपको लिखना है 6, 6 को लिखना है 6 बार, ठीक है। उसके बाद में शुक्र भगवान का ओम शुम शुक्राय नमः एक बार इस मंत्र को लिख देंगे, और एक बार लिख देंगे श्रीम, श्री के ऊपर लिख देंगे बिंदी, तो ये हो जाएगा श्रीम। ये आप 3-4 जहां जहां भी इसको रखना चाहते हैं वहां वहां पर इसको लिख दीजिए, उतने उसमें आप लिख लीजिए। गुलाब का इत्र ले लें, ठीक है, थोड़ा सा गुलाब का इत्र पूरे कपड़ों में लगा दें, और गुलाब की अगरबत्ती ले लें, और दोस्तों घी का दिया जरूर जलाएं। दिया जो होता है अग्नि साक्षी होती है, और साथ में दिया सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है कि हम सूर्य भगवान के जो ग्रहों के राजा हैं उनके सामने बैठ करके उनके सानिध्य में हम इस प्रयोग को कर रहे हैं, और अग्नि को साक्षी मान करके इस प्रयोग को कर रहे हैं, तो प्रयोग विफल नहीं होता है, रिजल्ट अच्छा देता है। फिर आदमी जब लिख जाता है आपका, तो इसको थोड़ा सूख जाने दें, गुलाब का इत्र लगा दें, गुलाब की अगरबत्ती घुमा दें, और उसके बाद में ओम शुम शुक्राय नमः 6 बार इस मंत्र का जाप कर लें,
और ओम श्रीम ओम 108 बार इस मंत्र का जाप कर लें, वो सामने रख करके, ठीक है। और इनको फोल्ड करके एक अपनी तिजोरी में रख लें, इसको फोल्ड कर करके अपने पर्स में रख सकते हैं, आपका ऑफिस है गल्ला है वहां रख सकते हैं, और कहीं भी आप मतलब सुरक्षित एक उत्तर दिशा में ईशान डायरेक्शन में इसको रख दीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे पैसे की भरमार होती है, कैसे पैसे बहाने मार मार करके आते हैं, आकर्षित होते हैं, सेविंग्स होना शुरू होगी, अनएक्सपेक्टेड पैसा आना शुरू होगा। ये हो गया अंक वाला उपाय। अब दूसरा कि शुक्र को यदि आपको मजबूत करना है, शुक्र जो होते हैं लग्जरीज के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं। शुक्र प्रधान व्यक्ति हमेशा लग्जरीज लाइफ जीता है, उसके प्रेम संबंध मजबूत रहते हैं, अट्रैक्शन पावर बढ़ता है। तो आप एक रोटी लें, घर में जो पहली रोटी बनती है, ठीक है, तो उसमें क्या करें, शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करना है आपको। घी जो होता है डायरेक्ट शुक्र से संबंधित होता है। दोस्तों याद रहे कि घी जो होता है 14 रत्नों में से एक रत्न है, इसको कभी भी जूठे ना छिए, जूठे कभी भी घी को हाथ ना लगाएं, घी को कभी पैरों में ना गिरने दें, और शुक्रवार के दिन में घी खाने का जरूर प्रयोग करें। घी और दही डायरेक्ट शुक्र को मजबूत करते हैं। शुक्र पर्वत पर, यह शुक्र पर्वत जो होता है इसमें कम से कम 6 मिनट तक अप्लाई करें दही से दोनों पर्वत पे। और दोस्तों एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि जो आपने 6 का जो आपने नंबर का जो आपने उपयोग किया है उसको आपको कहीं भी जब रख रहे होंगे तो आपको 6:06 पे या फिर 6 बजे आपको इनको स्थापित करना है। जैसे तिजोरी में रख रहे हैं तो 6:06 या 6:06 में, या अपने गले में रख रहे हैं, जहां भी रख रहे हैं तो आपको 6:06 में रखना है। और आपके जो चावल जिसमें कंटेनर होता है एक आप उसमें भी रख दें, 6 बजे ही रखें, क्योंकि 6 का अंक जो है माता लक्ष्मी का और शुक्र का है ना। ये मैं बताना भूल गया था आपको। अब ये रोटी जो आप बनेगी इसमें आपको घी लगा देना है चारों तरफ से, और चीनी जो होती है शक्कर या फिर मिश्री इसका आपको बूरा बना लेना है, और चारों तरफ आपको थोड़ा सा इसका बूरा धुरक देना है। अब ये रोटी ले जाकर के आप कुत्ते को खिला दीजिए, हर शुक्रवार को ये प्रयोग को करिए। और पालक की जो भाजी होती है ये रात्रि के समय सूरज ढलने के बाद, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का उपाय है, ठीक है, काली गाय को पालक की भाजी खिलाना शुरू करिए। ये जानकारी मैं और वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन आप लोगों को फिर से दे रहा हूं, जो न्यू विजिटर्स हैं उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो कि शुक्रवार के दिन में सूरज ढलने के बाद में काली गाय को अगर आप पालक की भाजी नित्य खिलाते हैं, नित्य मतलब कि हर शुक्रवार को खिलाते हैं, आपके शुक्र इतने मजबूत हो जाएंगे कि तीसरे शुक्रवार में इसका आप रिजल्ट देख करके हैरान हो जाएंगे। बहुत ही चमत्कारिक रूप से इसका रिजल्ट आता है। मैंने काफी वीडियो बनाए हुए थे इसी वाले, तो उसमें मैंने कमेंट्स देखे कि लोगों को एक ही शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार में रिजल्ट मिल गया, और लोग शायद अभी भी इस प्रयोग को कर रहे हैं। इस प्रयोग को करते रहेंगे, शुक्र आपके बलवान होते रहेंगे, लग्जरी चीजें आप खरीदने के मालिक बन जाएंगे, लग्जरी चीज खरीदने के लिए आप मतलब कि सक्षम हो जाएंगे अगर कंटिन्यू करते रहेंगे। दोस्तों कोई भी प्रयोग तुरंत में रिजल्ट नहीं देते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन विश्वास पक्का हो तो तुरंत में भी रिजल्ट आ जाता है। डाउट क्रिएट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन प्रयोग करते रहते हैं तो भगवान भी मजबूर हो जाते हैं कि नहीं ये मेहनत कर रहा है, इसको रिजल्ट देना चाहिए, इसने मेहनत की है। और कभी कोई प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं नेचर प्रकृति हमारा एग्जाम भी लेती है, हमारे सब्र का, हमारे पेशेंस का, हमारे विश्वास का। तो बस विश्वास रखिए और पेशेंस रखिए, हार मत मानिए। आपने गिवअप किया, आपने रेमेडी की गिवअप किया और आपका सारा मेहनत पानी में। तो कभी भी उपाय कर रहे हैं तो बस गिवअप मत करें, एक विश्वास रखें कि नहीं आज नहीं कल रिजल्ट, कल को तो सोचे मत, आज रिजल्ट आएगा ही आएगा, ये कहें मैंने प्रयोग किया आज तो आ ही जाएगा रिजल्ट, ये कहलाती है पॉजिटिविटी। हमेशा बोलते रहे कि नहीं आज तो आएगा, आज तो पक्का रिजल्ट आएगा, और जब बार बार आप बोलेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। आज मैंने इतनी मेहनत की है, इस रेमेडी को की है, आज रिजल्ट आएगा, पक्का निश्चित रूप से आज रिजल्ट आएगा। आप ऐसा बोलिए, भगवान मजबूर हो जाएंगे आपको रिजल्ट देने में, आपको धन पैसा ऐश्वर्य देने में, क्योंकि पॉजिटिव चीजें जो कर सकती हैं दोस्तों कोई नहीं कर सकता है, नेगेटिव चीजें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती हैं। और पॉजिटिव जब दोस्तों आप नेगेटिव सोच सकते हैं तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव भी नहीं सोच सकते, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं पॉजिटिविटी के लिए, लेकिन काफी लोग कमेंट्स देख के मुझे बहुत ज्यादा दोस्तों एकदम ऐसा लगता है, गिल्ट फील होने लगता है कि मेरी इतनी मेहनत बेकार चली जाती है कि आप लोगों को मैं पॉजिटिव अफर्मेशन देता हूं उसके बाद भी नेगेटिव बातें। जब नेगेटिव बातें कर सकते हैं तो पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकते, जब पता है कि पॉजिटिव चीजें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव होकर के उपाय करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए,
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।